हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पोकेमोन शाइनिंग पल में फिर से आपका स्वागत है। गेम प्ले को फटाफट करते हैं शुरू, एंड तब तक मैं आपको बताता हूँ पिछले गेम प्ले की कुछ हाइलाइट्स। जी हाँ, बेसिकली जो है गैस्टली है वो हॉन्टर में बदलने के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वैसे देखा जाए तो हॉन्टर, देन उसके बाद केडेब्रा, गेराडोस और हमारा मॉनफेर्नो, ये चार बेसिक पोकेमोन जो मेरे पास है, तो वो बहुत ज़्यादा सुपर पावर हो चुके हैं। एंड उसमें भी बेस्ट पार्ट ये है कि ये पोकेमॉन्स बेसिकली अब इनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। ये मुझे एक स्किल मिल चुका है जिसमें मैं किसी भी पोकेमॉन को बाहर रख सकता हूँ। क्या आप देख रहे हो, हॉन्टर मेरे साथ ही घूमता रहेगा। तो ये पूरा एरिया हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया था, अब हम दूसरी सिटी की तरफ जा रहे हैं। उस सिटी में जाने के लिए ये रास्ता है, एंड यहाँ पे कुछ बेरीज हैं, बट बेरीज को मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। Wow, Chansey, यार, I love this Pokemon. Chansey ऐसी है जिसकी HP बहुत ज़्यादा है। मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, बिकॉज इसको पकड़ने का कोई खास फायदा नहीं है मेरा। Wow, ये क्रिटिकल हिट था, देख रहे हो आप। अब क्रिटिकल हिट में भी इतना कम क्यों डैमेज हुआ, बिकॉज ये देखो, लिटरली चैंसी के पास ये स्किल है कि वो किसी को भी हील कर सकती है। ओ, साइको का डेंजर था यार। वन थाउजेंड पॉइंट्स दिए यार इसने। रैपिडस आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चैंसी मिली तो मैं फाइट करूंगा, उसने बहुत ज्यादा पॉइंट दिए। पर बहुत ही यूनिक पोकेमॉन था, मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओ, मुझे लगा ये बंदा मुझे रोकेगा, बट उससे पहले रैपिडस ने मुझे रोक लिया। ओ सॉरी, इट्स नॉट रैपिडस, इट्स वो नहीं था। एपॉम, आप मुझे काफी यूनिक पोकेमॉन मिलने शुरू हो रहे हैं यार। Let's see. Oh, don't tell me, tickle करने पे क्या करेगा? मेरा attack, special attack, attack गिरा, और defense भी। हाँ, obviously बात है, defense तो गिरेगा ही। अट्ठाईस, सत्ताईस, इकतीस, उनतीस, जिराफरी। ओहो, ओहो, सो जिराफरी इज ऑल्सो, जहां तक मुझे याद है इसमें भी कुछ साइकिक एबिलिटी है, राइट? तो आप देख सकते हो साइको कट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा रहा है इससे, बट ओके, सो लेवल का डिफरेंस भी नहीं आया। Let's change the Pokemon. Zirafarig में बेसिकली ये पावर है, वो टाइम को बेसिकली कंट्रोल कर सकता है। ये चीज मैंने देखा है और बहुत पहले देखा था एक्चुअली। ये साइकिक अटैक भी मारता है, मैंने कहा ना। और डोंट टेल मी यार, कंफ्यूजन यूज किया। और नो नो नो, पहला ही बंदा मिला और उसके पास इतने खतरनाक पोकेमॉन है। थैंक गॉड, एक्चुअली इसका लेवल 70 था इसलिए मैंने मार दिया, अदरवाइज थोड़ी सी मुसीबत होती हमें। साइडक,
लेट्स यूज टोगपी। एक्चुअली टोगपी को यूज करने का मेरा मेन रीजन ये है कि टोगपी के पास भी साइकिक अटैक्स है और मैं चाह रहा हूँ कि अब ये टोगेटिक, आई थिंक टोगपी का टोगेटिक है एंशिएंट पावर। लेट्स सी, ओह लव इट मैन, बट कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ। फ्लैश नहीं, लाइव ड्यू मॉर्निंग सन, मॉर्निंग सन क्या करता है? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो भी एंशिएंट पावर, और वो भी मैं सिर्फ पांच ही बार मार सकता हूँ। लकीली साइकिक अटैक साइकिक पोकेमोन पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इस कारण से मैं बच गया, अदरवाइज उसने मेरा डिफेंस तो पहले ही गिरा दिया था। 173, सीरियसली मैन, व्हाट अ गरीब मैन। जिसकी ताकत लगा के आया, चलो अब मैं सोचता हूँ यहाँ से निकलने से पहले एक बार पोकेमॉन्स को रिस्टोर कर ले फिर यहाँ से निकले। एक ही बार मैं चाहूँ तो अपनी साइकिल को भी यूज कर सकता हूँ ताकि साइकिल पे बैठ के बहुत स्पीड में एरिया कवर हो जाए, क्योंकि अब थोड़ा रास्ता लंबा है। पोकेमॉन्स मुझे अच्छे कंडीशन में चाहिए। किस्मत रही तो रायहॉन राइडॉन बन जाएगा एंड टोगेपी टोगेटिक। अच्छा बच्चे से बात कर, अरे यार मतलब हद ही हो रखी है। तो लेट्स सी, जब यूज करना ही है तो, ओ नहीं एजिलिटी यूज किया, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड हो सकता है इसका अटैक भी बढ़ जाए। नहीं उसको मौका क्यों मिला यार, नो वरीज, इतने डैमेज में हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बट बेस्ट पार्ट ये है कि थोड़े से पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओ इस घास में पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्रिकेट्यून, कोई नामी पोकेमॉन चाहिए मुझे या कोई फेमस पोकेमॉन। वैसे देखा जाए लेवल 1920 अब मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, बिकॉज ये मेरा पोकेमॉन के, ओ ये मुझे ग्रास टाइप पोकेमॉन लग रहा है यार। हमारे पास ग्रास टाइप अटैक काफी है जो मैंने किसी को सिखाया नहीं अभी तक। फीमेल वर्जन में कोई भी पोकेमोन नहीं पकड़ूंगा, लो ये पकड़ने लायक ही नहीं रहा। कैरेब्रा फाइनली 30, ओहो एंड आई थिंक टेलीपोर्ट इज यूजलेस। ये यही शायद वो अटैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कैडेब्रा सीखता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। फिजियो शॉक, अरे यार ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। शिट, नहीं अब नहीं, वहां से जाने में मुझे काफी टाइम लगेगा।
अब ठीक है, गेट ऑफ द बाइक। कम ऑन फाइट विद मी मैन। आई थिंक दो बंदे वहां है, अच्छा एक यहाँ पे भी है। लव इट। दो इधर दो उधर, एरिया बहुत बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करने में टाइम जाएगा, उतनी ही पोकेमॉन फाइट है। इस बिल्ली को संभाल लूंगा मैं, बट जो उसके साइड में जो दूसरा पोकेमॉन है ये देखो, स्टंकी के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है यार। Let's see. बेसिकली एक लेटर स्टेज पे जाने के बाद कैडेब्रा और एक अटैक सीखेगा। और तब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस अटैक को यूज करना है और किसको नहीं। आई लव दिस कैडेब्रा मैन, यही तो बेस्ट पार्ट है कैटेब्रा में, कि अगर इसकी हेल्थ चली भी गई तो ये रिस्टोर कर लेगा। मेरे पास पैसे बहुत हो गए, बहुत मतलब लिटरली बहुत ज्यादा हो गए। TM51, व्हाट इज TM51? Come on यार, यहाँ पे कोई नया पोकेमॉन मिले। ओहो, literally कसम से मुझे अभी ड्रैटिनी मिल जाए ना, पर मुझे पता नहीं इस गेम में ड्रैटिनी होगी भी या नहीं, या लाविटा मिल जाए। मैंने लाविटा से आज तक नहीं खेला। पोकेमॉन का जो फ्लो है, सीक्वेंस है, आप देख रहे हो तीनों बार में मुझे तीन अलग पोकेमॉन मिले हैं। बस अंतर इतना है मैं इनसे फाइट नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं कर लेता हूँ। लेट्स सी इस पे क्या डैमेज है। अमेजिंग मैन, कैटेब्रा के अटैक बहुत अमेजिंग है। लेवल 19 के पॉइंट्स भी ऐसे नहीं है कि बेवकूफी वाले पॉइंट्स है। अब मुझे लगा ही था इसके बाद आई थिंक सिर्फ जियोड्रूड रह रखा है, वो और मिल जाए तो सारे देखे हुए पोकेमॉन हो जाएंगे। पर चेंज ही मुझे एक ही बार मिली यार। नाउ जियोड्रूड बनी, अब निकलते हैं। यहाँ पे बाइक लेनी पड़ेगी, यहाँ ऊपर जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो भी ये वाला। यार देखो, उतरने की देरी थी और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है,
कि या तो मैं विदाउट ग्रास वाले रास्ते से जाऊं या फिर घास वाले रास्ते से होते हुए इन लड़कियों के पास अटैक करता हूं। ओ पिकाचू, क्या बात है, इसको किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा यार। क्लिफेरी एकदम नॉर्मल है। ऐसे देखा जाए क्लिफेरी के पास मून स्टोन की पावर है। गिरडोस, अब मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। रेन डांस, सो क्रंच अटैक इज बेसिकली ठीक है 80 और 100 15 का है, टैकल 40 है। अच्छा टैकल ही हटा दूंगा, बट प्रॉब्लम कई बार ये हो जाती है। और ये है 60, ये 80, ये तो था ही। अच्छा रेन डांस में बेसिकली कोई अटैक नहीं है, फिर क्यों लोड लेना है मुझे। वो ये कैसा अटैक है यार, यार ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा इसने मेरे पावर पंच को ही फिक्स कर दिया है। क्लिफेरी के पास एक ये एडवांटेज है, अगर वो किसी पोकेमोन के सामने हो और कभी गलती से उस पोकेमोन ने कोई दूसरा अटैक यूज कर लिया जैसे लीर ग्रोल और उसको सीज कर दे, तो वो पोकेमोन सिर्फ वही अटैक यूज कर पाएगा, वो मुसीबत हो जाती है। अच्छा मैं साइकिल लेके घास के अंदर नहीं जा सकता, ये एक लिमिटेशन है, ये मुझे अभी तक नहीं पता थी। ये कंफ्यूजन अटैक बहुत अच्छा लगा। सबको इसी अटैक से उड़ा दूंगा। हैप्पी नी, ये चैंसी की छोटी बहन लग रही है मुझे और आई थिंक इस पे अटैक्स ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। नहीं ऐसा मुझे सिर्फ लगा। वैसे जनरली देखा जाए जो कपल्स होते हैं ना, अरे यार दिस इज नॉट फेयर। What the hell यार, मैं वहां से ऊपर चढ़ गया, अब मैं यहां से, अब मुझे यहां से फिर बाइक लेनी पड़ेगी। अब मैं यहां से बाइक हटा ही देता हूं। लो घुसने की देरी नहीं हुई। और ये कौन है, जियोड्यूड, हमारा सबसे फेवरेट पोकेमोन, जिसको पकड़ के मैंने एक बक्से में बंद कर रखा है।
आई थिंक जो नाम के साथ जो रेड कलर का आइकन आता है वो बेसिकली इसीलिए है कि वो पोकेमोन ऑलरेडी मैंने पकड़ा है। वाह चैंसी, चैंसी से तो फाइट करनी है भाई। लवली मैन, होली मदर, पॉइंट्स देख रहे हो कितने पोकेमोन को एक साथ ग्रो किया इसने। ओह गॉड, चैंसी ग्रेट है यार। वन ग्रेट बॉल, देखें एक और चांसी मिलती है नहीं, हर बार किस्मत ऐसी नहीं होती। अब पोनीटा और इनसे ही काम चलाना पड़ेगा मुझे। तो लिटरली 20 मिनट का गेम प्ले हो गया और हम क्या कर रहे हैं, हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पैथेटिक। चलो वैसे जरूरी है, अगर आप रास्ते में रुक के नए पोकेमोन नहीं ढूंढोगे, लोगों से फाइट नहीं करोगे, इसका कोई फायदा नहीं है। ओह कम ऑन, साइको कट इसके ऊपर अच्छा था मुझे मालूम है अभी भी। व्हाट द हेल, एनिमेशन कहाँ गए? इस बार भी एनिमेशन नहीं आया यार, मुझे लग रहा है मुझे पोकेमोन को चेंज करना पड़ेगा। क्लिफेरी, क्लिफेरी से ही इसकी फाइट कराते, देखते इस पे साइको अटैक का क्या यूज है। वैसे अच्छा यूज है मुझे पता है। होली मदर, एक भी एनिमेशन नहीं आ रहा है यार, ये पता नहीं इस गेम में क्या क्या होता है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं रेयर पोकेमोन मिलते भी या नहीं, ये हर बार की का। ओ इतने सारे साइडक, साइडक ने घेरा बना रखा है एक्चुअली। वो मुझे लगा कैफे में गया हूँ, ये शायद मुझे कुछ खाने पीने को देगी, बट ये मेरे साथ फाइट कर रही है यार। नॉट गुड, अच्छा तो उस पर्टिकुलर फाइट के लिए ऐसा हुआ था। व्हाट, ऑलरेडी हाफ पे आ गया हूं मैं यार। कमाल है क्लिफेरी, दो बार के साइको अटैक में भी नहीं कटी। कम ऑन, हील माय पोकेमॉन्स मैन। तो मोमो मिल्क बेसिकली आई थिंक हेल्थ बढ़ता है।
अब मुझे लग रहा है मुझे पोकेमोन थोड़े से चेंज करने की जरूरत है। ऑलरेडी हॉन्टर बाहर है, अब गैराडोस को पहले तो बाहर निकालते हैं। वॉक टुगेदर। सीरियसली गैराडोस इतना छोटा दिखा है यार, मुझे लगा एटलीस्ट मेरे से तो बड़ा दिखाएंगे। अब मॉनफेनो को थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, बिकॉज मॉनफेनो को अब लेवल 3 पे पहुंचाना है। कोई बात नहीं, ये देखो ये है मजाक, इसको कहते हैं असली मजाक। इतना बड़ा गैराडोस, 17 से 24 फुट का गैराडोस हमारे सामने बच्चा दिखाया। अच्छा एटलीस्ट गैराडोस मेरे सबसे टॉप पे नहीं है। चलो नाइट का टाइम भी हो गया। ये बंदा रोकेगा मुझे, ये तो मुझे मालूम था कि रोकेगा जरूर। अब लेफ्ट से रास्ता है, ऊपर से रास्ता है, ये देखना है। बारिश भी हो गई। वाटर टाइप पोकेमॉन वर्सेस इसके पास कौन से बग टाइप पोकेमॉन। ब्रोंज़ोर साइकिक, ओ नहीं सुपर इफेक्टिव, लेट्स डू दैट। मुझे लगा शायद मेरा गैराडोस आएगा, मैं गैराडोस को बाहर देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है गैराडोस ही आएगा शायद। ओ पेबैक अटैक, व्हाट पेबैक अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। शील्ड ऑन, मुझे पता नहीं ये पोकेमॉन कौन सा है। एटलीस्ट सुपर पोकेमॉन की ना एक टाइप भी लिख के देनी चाहिए इन लोगों को। आई डोंट नो, वो टाइप ही नहीं है तो उससे मुझे आइडिया भी नहीं लगा किस टाइप का। टॉन्ट अटैक, आई एम नॉट वरीड टू मच, ये खेल खत्म। लेवल 23 तक के पोकेमॉन मिलने शुरू हो चुके हैं, तो बेसिकली मुझे अपने पोकेमॉन का लेवल बढ़ाने की जरूरत है। अब अच्छा मेरे पास ये दो रास्ते थे, या तो मैं इधर पेड़ पे हनी लगा देता। वॉट एवर, यहाँ पे लेवल 20 पर जितनी मैंने फाइट जीती अभी तक एब्रा के कारण, वो कैसे जीतता मैं। यार मुझे थोड़ा सा टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी, या तो मुझे पोकेमॉन के बारे में जानना पड़ेगा किस टाइप के पोकेमॉन कहाँ पे है, लेकिन नया कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। ये फाइटिंग, अरे मेरे पास दो टीएम भी आए हैं यार, मुझे टीएम देखना पड़ेगा, टीएम देखना जरूरी है।
सो TM66 पेबैक है। ओके, रूस्ट बेसिकली रिस्टोर का है। स्ट्रेंथ ओके, ये कौन सा है? लो स्वीप, अच्छा ये फाइटिंग टाइप है इसीलिए। स्टील टाइप कोई नहीं सीख पा रहा, अट्रैक्ट सब सीख रहे, वोल्ट कोई नहीं सीख पा रहा। काफी अटैक्स ऐसे हैं मेरे जो बचे हुए हैं। ओ ये कितना गोल चक्कर है यार। फाइनली एक फाइट आई है। अगले सिटी में पहुंचने में ही मुझे लग रहा है पूरा टाइम निकल जाएगा। वाटर प्लस फाइटिंग, ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। फाइटिंग नॉट इफेक्टिव एट ऑल। अब वो भी लेवल 25 का, देख रहे हो। डोंट टेल मी मेरा एक्यूरेसी। What the hell? उसको दो चांस क्यों मिले? इसको वन अटैक भी नहीं हुआ यार। इस बार मुझे चांस मिलनी चाहिए। कोई चीटिंग चल रही है यहाँ। बिडो अटैक कोई भी यूज हो, कट करने के लिए बिडो भी आता है। ये बंदा बिल्कुल यही किनारे पे खड़ा हुआ है यार। ब्लैक बेल्ट, ये बेसिकली फाइटिंग पोकेमॉन के साथ ही आने वाले हैं। फाइटिंग मेरा भी है बट लेट्स सी, देख रहे हो। फाइटिंग के अगेंस्ट फाइटिंग नॉट वेरी यूजफुल एट ऑल। क्या बात है, इसने पैरालाइज तोड़ दिया। दिस इज चीटिंग मैन। उसने अपने आप को कैसे इस बार नहीं बचा पाया। मुझे फाइटिंग पोकेमॉन से कुछ बदल के खेलना पड़ेगा। मुझे साइकिक या फिर घोस्ट टाइप के पोकेमॉन यूज करने पड़ेंगे। लेट्स सी, पोकेमॉन को स्वैप करने की जरूरत है यहाँ पे अभी। Love it. ये होता है ना तरीका, थोड़ी सी टैक्टिक्स चेंज करो, दैट्स ऑल। मैचअप को तो ये ले जाएगा। हैक्स ट्राई करना चाह रहा हूं। हैक्स एक्चुअली बहुत पावरफुल अटैक है। ओ कैडेब्रा का लेवल बढ़ना था यार, वो बिल्कुल एज पे जाके बैठा है। बारिश की बूंदों की आवाज क्या शानदार लग रही है।
डोंट टेल मी यार कि सिर्फ इतने के लिए आया हूँ मैं, अब आया हूँ तो ये लेके ही जाऊंगा बेरीज। एक ही बेरी काफी है। गॉड स्पेशल। काफी रास्ते छुपे हुए हैं, अच्छा रास्ता वही है। ओके यहाँ से जाएंगे तो ये देख लेगा बेसिकली, तो सिर्फ इसलिए वो रास्ता बता रखा था। अंडरस्टूड। मैंने मॉनफेनर को अभी भी चेंज नहीं किया है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेट्स सी रेनिंग में गैरेडोस का क्या फायदा होता है। वाह मड स्लैप से कोई वो नहीं हुआ। सो टैकल है और वाटरफॉल है, लेट्स गो फॉर वाटरफॉल। बट पता नहीं इस पोकेमोन को देख के मुझे लगता है कि शायद ये वाटर टाइप का पोकेमोन है। एक्चुअली ये बनाया मेंढक जैसा है। लेवल 30 मुझे पोकेमोन को करना अब जरूरी है। स्टिल लेवल 7 का जो डिफरेंस है वो मुझे अभी भी जीत दिला रहा है। आई लव इट। काफी पोकेमोन के लेवल बढ़े। आफ्टर यू मॉर्निंग सन बेसिकली हील करने वाला है, लाइफ ड्यू हील करने वाला है, फ्लैश नहीं। अच्छा ना ओके ये कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। तो बेसिकली जो भी लेवल क्या बेसिकली नहीं, आई थिंक यहाँ पे मैचअप चल जाएगा। सो टोगेपी जो अटैक सीखने वाली थी वो ये था कि अगर वो अपने अटैक को चालू करती है और उसके बाद सामने वाला जो भी अटैक यूज़ करेगा उस अटैक को वो शायद यूज़ कर लेगी, जहाँ तक मुझे समझ में आया क्लियरली। मे बी आई एम रॉन्ग। चलो लेट्स गो। बहुत एरिया टूटा हुआ है। What the hell यार? ऐसे एरियाज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना जरूरी हो जाता है। कई बार अनोखा पोकेमोन ऐसी जगह पे ही छुपा मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सिटी में जाने से पहले एक बार ग्रैंड टनल फिर से किया जाए, बिकॉज हो सकता है इस बार हम ग्रैंड टनल जो मिले वो दूसरा वाला कर ले। I hate this Geodude man. मैं थक गया हूँ इस पोकेमोन से। Shock wave. So already मेरे पास electric type के attacks आ गए हैं, but मुझे ये नहीं पता मैं किसको use कर रहा हूँ। Come on, ये फाइट नहीं करना चाहता। वाओ फुल हील। ओ यहाँ एक नहीं, यहाँ दो लोग फाइट करेंगे। यस yes.
मॉनफेर्नो वर्सेस मॉनफेर्नो। सुपर इफेक्टिव देख रहे हो, ये मजा आने वाला है। एक एक अटैक के शायद ये फाइट होगी। यस, उसका चांस ही नहीं था साइकिक के अगेंस्ट टिकने का। लव इट, कपल्स की एक ही बार में बैंड बजा दी। नहीं किसी गैरडॉस, सीरियसली मैन, वाटर टाइप पोकेमोन है। साइकिक का साइकिक पे कोई अटैक नहीं पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा घुमा के खेलना पड़ेगा। Let's see. Oh, Gyarados तो गया at least. नहीं तो मेरे Monferno को water attack से एक ही बार में बेहोश कर देता ये। Haunter का level बढ़ा। Nightshade. Curse attack is basically ठीक है, बेकार है। ये नेवर मिस है। ये 50, ये 65, तो फाइनली कर्स अटैक जो है वो बेकार था, बट इसकी जगह अब नाइट शेड मिलने वाला है। सो हंटर के पास अब फाइनली कुछ अच्छे अटैक आ रहे हैं। रायहॉन राइडॉन बनेगा आई थिंक लेवल 36 पे जाके। ये बीम है, ये देख रहे हो, ये कैटेब्रा का सबसे पावरफुल अटैक है। अब मैं यही सोच रहा हूँ जब ये अटैक आएगा तो मैं साइको कट हटाऊं या कंफ्यूजन हटाऊं, आई डोंट नो। ओ कम ऑन यार, उसको पहले नहीं मार देना, एटलीस्ट मेरे पोकेमोन को हील करने का टाइम तो देता। बट गुड फाइट यार, इसके पास भी अच्छे पोकेमोन थे, मजा आया। आई थिंक मैं पहुंच चुका हूं अगली दुनिया में, या फिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे अभी भी नहीं। वेलस्टोन सिटी एक्चुअली यही मुझे पहुंचना था शायद। यस फाइनली, ये देखो इस सिटी पे ऑलरेडी किसी का कब्जा है, ये एरिया पूरा बंद है। अच्छा पहले तो मैं पोकेमोन चेंज कर लूं, मुझे अपना पोकेमोन चेंज करना है। ये लोग मुझे जाने तो देंगे नहीं, ये मुझे पता है। ठीक है, तो टीम गैलेक्टिक का यहाँ पे दबदबा है, ये समझ में आ गया। ये पोकेमोन सेंटर है, वो सारा एरिया बंद है यार। मेटराइट्स, ये बेसिकली जिम लीडर के बारे में बता रहा है। मुझे लगा शायद ये आइडिया दे रहा है कि जो करंट जिम लीडर है वो कहाँ पे है, बट ऐसा नहीं है। ओ मेरे पोकेमोन को क्या हो रहा है यहाँ पे, वो पूरे गेम को क्या हो रहा है, ये ग्लिच, ये देख रहे हो।
बच्चे से पढ़ाई करें। ओके सो या तो मैं सीधे अब जिम फाइट के लिए जा सकता हूँ या फिर एरिया एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन जिम फाइट। ये बाइक से चढ़ेगा? आई डोंट नो, ऐसे मुझे रास्ते बहुत पहले भी मिले थे। यार जिम कैसे जाए? बस लो, ओ नहीं, इसे उतर जाना ही ज्यादा बेहतर है मुझे लग रहा है। हेल, मैं इतनी मेहनत करके यहां तक आया। एटलीस्ट ये जिम फाइट तो मिलेगी भाई। और ये जिम फाइट, ओ इसको क्या हो गया? चलो सो मॉनफेर्नो को मैंने सबसे टॉप पे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा स्विच करते हैं। अबे ये क्या हो गया? ठीक है, जब वैसे मैं चाहूँ तो रायहॉन को भी रख सकता हूँ, बट ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स टेक द जिम बैटल और देखते हैं यहाँ पे क्या नई जिम बैटल मिलने वाली है। और ये सारे फाइटिंग वाले पोकेमोन हैं। तो मेरे पास साइकिक ऑलरेडी है, फ्लाइंग इसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बट मुझे फ्लाइंग पोकेमोन नहीं चाहिए। आई मीन मेरे पास फ्लाइंग पोकेमोन कोई है भी नहीं। है, एक है, गैरडॉस है। यहाँ तो भाई इसी का जादू चलने वाला है। फाइनली मैचअप का अपग्रेडेड वर्जन दिखा यार। के लेवल बहुत ज्यादा है मुझे लग रहा है। नहीं 25 तक है, बट इफेक्टिव नहीं दिखाया। ये जरूरी है जब आपको कमजोरी के बारे में पता हो ना। मुझे यहां इसको बचा के रखना है, कंफ्यूजन और इस टाइप के अटैक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ताकि जब फाइनल में जाऊं, आई थिंक तीसरा बैच होगा ये मेरा। यार मैचअप पे कोई इफेक्टिव क्यों नहीं है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे पास 10 ही है केवल, अगर दो बार भी मुझे मैचअप के साथ फाइट करने वाला लगा तो मेरे अटैक्स बर्बाद हो जाएंगे। मॉनफेर्नो का अपग्रेड होना जरूरी है। 32, 34, 36 इनमें से ही हो सकता है कुछ। हालांकि मेरे पास रेयर कैंडी है बट मैं यूज नहीं कर रहा हूं। लकीली इसके बाद दो ही हैं। एक तो मैचॉक है। चलो टाइम टू फाइट। अब मैचॉक से एक दूसरा अटैक यूज करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। यार मेरे पास साइकिक है, फिर तो मुझे डरने की टेंशन ही नहीं है। पॉइंट्स देखो भाई, पॉइंट्स रज रज के मिल रहे हैं। ये सारे पोकेमोन बेकार हैं यहाँ पे। इसका एक पोकेमोन नहीं टिकेगा। फेरी टाइप के पोकेमोन, साइकिक टाइप के,
या फिर फ्लाइंग टाइप के पोकेमोन बेसिकली फाइटिंग पोकेमोन के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं, और यही हो रहा है यहाँ। What the hell? गेम में ग्लिच देख रहे हैं आप? गेम को जल्दी खत्म करने का यही तरीका है कि मैं कैडेब्रा को कंटिन्यूअसली यूज करता रहूं। वैसे भी 25 अटैक है, बहुत है मेरे पास। इसके पास एक ही पोकेमोन था, लव इट मैन। अच्छा हुआ ये जल्दी हार मान गया। ये पूरा जाल बना रखा है यार, इतना आसान ये लग रहा है। ये देखो पूरा भूल भुलैया है, एक लेफ्ट साइड में और एक है, और उसके बाद सामने कोई है। आई थिंक उसके बाद मैं जिम वाले से फाइट कर पाऊंगा। इतने मजे आ रहे हैं मैं क्या बताऊं। गैरोडॉस भी लेवल 30 पहुंच गया। कैडेब्रा का तहलका देख रहे हो आप, मतलब सबको एक एक अटैक पे मार रहा है और लेवल 34 आ चुका है कैडेब्रा। ये फाइट मॉनफेर्नो के लिए नहीं है बेसिकली, ग्रास टाइप का शायद बैच ऑलरेडी कवर हो चुका है, वहां पे ही मॉनफेर्नो चल सकता था। हॉन्टर एंड रायहो, ओहो दमदार। नहीं। हेल कैसे बनाया इन्होंने? अच्छा यहां से जा सकता हूं मैं। What is this यार? अरे ये क्या नमूना है यार? ओके ये बहुत कंफ्यूजन कर दिया इन्होंने, मुझे लगा मैं वहां से भी जा सकता हूँ। इतना आसान लग रहा था उतना है नहीं है। भूल भुलैया बना दिया इन्होंने तो यहां। ओके वो है जिम का ओनर। तो जाना मुझे सेंटर से है, लेकिन वहां सेंटर में पहुंचने के लिए ओके बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे।
ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये वापस करो। ओह मैन, सीरियसली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रखा था, बना क्या रखा। अभी भी देखो, अभी भी खुला नहीं है ये, और अब मुझे यहां से पूरा वापस होके जाना है। जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं, मतलब बहुत टफ भी नहीं है, बट इन्होंने बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया इसको कि आप सिर्फ बंदों को हराए तो प्राइज मनी नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। ये है वो बच्ची मेलिन। ऐसा लग रहा है ऑलरेडी प्रैक्टिस करते वक्त इसके किसी पोकेमोन ने इसके नाक पे पंच धर दिए। मेडिटेट, इसका सिर्फ लेवल बड़ा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। Come on, कहाँ लेवल 34, कहाँ लेवल 27? नहीं, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है। मैचो सबको उसी अटैक से खत्म करना है। वैसे मेरा बड़ा मन हो रहा है गैसली को, हॉन्टर को यूज करने के लिए। केरियो कौन है भाई? ये कोई नया पोकेमोन लग रहा है मुझे। ओ समझ गया, ये है एक पोकेमोन, ये देखा, ये है स्ट्रॉन्ग। बल्क अप में इसने क्या किया, बेसिकली अपना अटैक बढ़ाया, डिफेंस बढ़ाया, बट ये मेरे को भूल गया कि इतनी देर में मेरा कैडेब्रा इसको खा जाएगा। ओह हाइपर पोशन, सीरियसली मैन, ये चीटिंग थी भाई। चलो एटलीस्ट कंफ्यूज है, एक और कंफ्यूजन अटैक और खेल खत्म। का हाइपर पोशन भी बेकार गया। कैडेब्रा की बल्ले बल्ले हो रही है, बाकी का पता नहीं मुझे। कम ऑन, मुझे इससे बस स्पेशल अटैक जानना है। जो जिम्बैस तो मुझे मालूम है मिलेगा, और ये तीसरा मुझे मिला, रॉक ग्रास और फाइटिंग कोबले बैज। I don't need the stickers, man. मैंने एक भी स्टिकर यूज नहीं किया अभी तक। TM60 क्या करेगा ये देखना है। ड्रेन पंच, ओ हो, ये बहुत अच्छा है भाई, ये मैं सिखाऊंगा, देखता हूँ किसको सिखा सकता हूँ। ये ड्रेन पंच मिस्ट्री गिफ्ट किसने दिया?
मतलब इतने टीएम्स लेके बैठा हूं मैं। और ड्रेन पंच को सिर्फ और सिर्फ और ये फाइटिंग टाइप का अटैक है, इसको मॉनफेनो भी नहीं सीख सकता। कम ऑन, क्या मजा आ गया यार। बट एनीवे नॉट्स एन इश्यू। सो तीसरा बैच जीता राइट। एंड ये लेडी क्या कह रही है ना माइंड, ये कुछ भी कह रही हो, इसका पोकेडेक्स गुम हो गया, उसमें हमें इसकी हेल्प करनी है, वो हम करेंगे लेकिन अगले गेम प्ले में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई प्लीज 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 लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में साइकिक फाइटिंग होस्ट डार्क फायर ग्रास स्टील वाटर बहुत वेराइटीज है पोकेमोन की, आपका फेवरेट पोकेमोन कौन सा है वो जरूर बताएं। तो गेम प्ले देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।